हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनटीए 2019 जून में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी यूजीसी नेट और एनटीए से रिलेटेड सॉल्व न्यूमेरिकल की अपडेट्स मिलती रहे। क्वेश्चन जो यूजीसी नेट एनटीए में 2019 में पूछा गया था, साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी बाय इन परसेंटेज एंड टेम्परेचर एक्स इन डिग्री सेल्सियस एट अ गिवन साइट आर गिवन एज अंडर। तो हमें इसमें एक टेबल दी गई है, y और x। y हमें ह्यूमिडिटी दी गई है, x हमें टेम्परेचर दिया गया है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन y एंड x इज, तो इसमें बेसिकली हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है x और y में, इन दोनों में क्या हमारा रिलेशन है, उसका कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं हमें क्या क्या फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, जो यह मेथड है इसमें आपको इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस आपको ये मिनिमम चार फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला है एस वाई वाई समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इसी फॉर्मूले से आप बनाएंगे एस एक्स एक्स, इसमें भी आपको सेम फॉर्मूला है, बस वाई की जगह एक्स को रिप्लेस कर देना है। और एक थर्ड फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एस एक्स वाई, और इसमें एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइड बाय एन। एन है नंबर ऑफ सैंपल, देन आपका रो, रो इज इक्वल टू एस, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इसे हम रो को बोलते हैं हम कोरिलेशन कोफिशिएंट, और एस एक्स वाई जो हमने फाइंड आउट किया है इस वाले फॉर्मूले से, इसे हम यहाँ पुट कर देंगे, और जो हमारा उसके डिवाइड न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है एक्स एक्सेस एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट, उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे अपने ऊपर दो फॉर्मूले से। तो हम इसके लिए सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको देख लेते हैं, हमें गिवन है y और x, तो हमने ये टेबल में एज इट इज रख दिया। अब बेसिकली हमें इसमें चाहिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई, तो हम इस टेबल में इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई को कैलकुलेट कर लेंगे और उन सबका सम कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, समीशन चाहिए ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, और समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई। तो इस टेबल में हम सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और हम अपने फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो एस वाई पर हमने सारी वैल्यू पुटअप कर दी, 12350 पुटअप किया समीशन वाई स्क्वायर, देन 240 × 240 यानी कि समीशन वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 830। सेम वे में हम एक्स 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 का भी वैल्यू निकाल लेंगे, इसका हमारा आ गया 250, और सेम वे में हम एक्स एस एक्स वाई का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इन सब की वैल्यू को रख देंगे कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में, जो है इस प्रकार। इसमें देख लीजिए आप, हमने -450 रख दिया एस एक्स वाई अंडर रूट ऑफ 830 × 250, जिसका आंसर है हमारा ऑप्शन 1 सही है। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।